जो लोग जिनको बोला जाता है कि आप माला करो तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे तो अंदर अंदर चलती रहती है ना, हम तो श्वासों की माला पर करते हैं। भगवान का नाम गिन के थोड़ी करना चाहिए, आप लोग भगवान का नाम गिन के क्यों करते हो? नहीं, भगवान का नाम वैसे लेना चाहिए जैसे आचार्य गण सिखा के गए हैं। एक स्टूडेंट को टीचर के अकॉर्डिंगली सीखना करना चाहिए, टीचर को अपने अकॉर्डिंगली नहीं करवाना चाहिए। हमारे जो टीचर्स हैं, जो आचार्य हैं, जो गोस्वामी क्या कर रहे हैं, संख्या पूर्वक नाम जप कर रहे हैं और संख्या पूर्वक ही प्रणाम करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 3000 प्रणाम करते थे। कितने? 3000। कभी बंद कमरा करके 3000 प्रणाम करने का ट्राई करना, 50-60-100 प्रणाम के बाद देखना हालत क्या होने वाली है। 3000 प्रणाम, 2000 वैष्णव को, 1000 भगवान को प्रणाम किया करते थे। संख्या पूर्वक नाम जप करते थे, साथ में 200,000 नाम का जप किया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। 128 माला करते थे, पर कैसे? काउंटिंग करके। श्री चैतन्य महाप्रभु भी काउंटिंग करके माला करते थे, माला के ऊपर और एक साक्षी माला भी होती थी, मतलब काउंटर भी होता था। संख्या पूर्वक नाम, भगवान संख्या पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, गोस्वामी गण आचार्य संख्या पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हम ये बहाना मारते हैं क्योंकि नाम जप नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए कहते हैं गिन के क्यों कर रहे हैं नाम। बिना वैष्णवों के, बिना भक्तों के भक्ति नहीं हो सकती। एकांती की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते, जो एकांती की भक्ति करने की सोचते हैं वो उत्पात ही मचाते हैं सिर्फ भक्तों के संग में, क्योंकि जब भक्तों के संग में होते हैं तो भक्त हमें करेक्ट कर सकते हैं। अगर भक्तों का संग नहीं है और हम भक्ति कर रहे हैं, लेट से हमारे से कोई मिस्टेक हुई, करेक्ट कौन करेगा? हमें तो कभी पता भी नहीं लगेगा मेरे से गलती हुई। अब जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज अपना सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के तट पर जाकर भजन करने लगे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, सोचिए उनके नाम से भारत है, सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के तट पर भजन कर रहे हैं, हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। क्यों आसक्त हो गए हिरण के बच्चे से? क्योंकि कोई भक्त नहीं थे आसपास। अगर कोई भक्त होते फॉर एग्जाम्पल आसपास, तो भक्त क्या कहते उनको? भक्त कहते कि प्रभु जी इतना कुछ छोड़कर भक्ति में आए हो, अब फोकस करो, क्या हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए हो? लेकिन कोई करेक्ट करने वाला नहीं था और वो आसक्त रहे और मरते हुए भी हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे और अगला शरीर हिरण का मिला उनको। लेकिन वैष्णव कोई होता तो फिर कान पकड़ते हैं, कहते कहां ऑफ ट्रैक, कहां हो रही हो, नहीं नहीं ये सही तरीका नहीं है।